अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद रिजवान फिर आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। नाज़रीन, मैं आपके लिए तरह तरह के नुस्खेजात मुजर्जिबात लाता हूँ और रोज़ाना किसी नए नुस्खे के साथ आपकी बारगाह में हाजिर होता हूँ। नाज़रीन, आज भी मैं एक नुस्खा लाया हूँ और बहुत सस्ता है लेकिन कामयाब बहुत है। आज ये नुस्खा मेरे उन भाइयों और बहनों के लिए है जिन मेरी बहनों को, बच्चियों को, बच्चों को जुओं की शिकायत है या उनके सर में लीके हो जाती हैं, उनके लिए ये नुस्खा बहुत अच्छा नुस्खा है। तो आइए नुस्खे की तरफ चलें। उससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे कि प्लीज़, अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो नुस्खे को जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा। और लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं नुस्खा लेके आऊँ सबसे पहले वो आप तक पहुँचे और उससे आप फ़ायदा उठाएँ। नाज़रीन, सर में जुएँ आपके हो चुकी हैं या आपके घर में से किसी लेडीज़ के बच्चों के, बच्चियों के जुएँ हैं या लीकें इतनी हैं कि घर वाले भी तंग आ चुके हैं। रोज़ाना उनको देखते हैं, उनको मारते हैं, कम करते हैं लेकिन फिर भी वो जाने का नाम नहीं लेती, ख़त्म नहीं होती हैं, जिससे घिन आती है दूसरों को भी। और बसा अवकात तो ऐसा होता है कि जिनके सरों में बहुत ज़्यादा जुएँ होती हैं और लीकें होती हैं तो उनको कोई अपने करीब बिठाना या लिटाना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे ख़तरा ये रहता है कि कहीं इसके शिकार हम भी ना हो जाएं। तो अगर आप भी इस चीज़ के शिकार हैं या आपके घर में से कोई इस चीज़ का शिकार है तो मेरा ये नुस्खा ज़रूर आज़माएँ और इंशाल्लाह हर हाल में आपको फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा हो जाए तो इस नाचीज़ को अपनी दुआओं से ज़रूर नवाजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नुस्खे लाता रहूँ। नाज़रीन, आपको इसमें लेना क्या है? सबसे पहले आपको लेना है लीमू का रस, ठीक है? आप लीमू का रस ले लें और काली ज़ीरी ले लें। काली ज़ीरी और लीमू का रस दोनों आप ले लें और लेने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप ले लीजिए, यूँ मान के चलें कि थोड़ा सा, मतलब ज़रूरत के मुताबिक, जितने आपके बाल हों, जितना मतलब आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरत के मुताबिक आप काली ज़ीरी और लीमू का रस ले लें और जहाँ पूरे सर पे आप लगा लीजिए, जहाँ आपके जुएँ हैं, लीकें हैं, वहाँ लगा लीजिए। इंशाल्लाह एक दो मरतबा ये अमल करने से ही आप हमेशा के लिए जुओं और लीकों से महफूज हो जाएंगे और आपके सर में जो प्यास की शिकायत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, ये मैंने एक घरेलू और बहुत सस्ता नुस्खा बताया जिस पे अगर आपने अमल कर लिया तो वाकई ये मेरा दावा है, इस बीमारी से, जुओं वाली शिकायत से आप हमेशा के लिए महफूज हो सकते हैं। नाज़रीन, तो ये एक ऐसा नुस्खा है जो हर घर में काम आने वाला है, हर घर में जो है इसकी ज़रूरत होती है, बच्चों के ज़्यादा ये ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए आप आगे तक शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने अजीज़ों में, ताकि सब इससे फ़ायदा एक बार ज़रूर हासिल कर लें और किसी का फ़ायदा हो जाए आपकी वजह से तो आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सआदत की बात है। ये एक ऐसा नुस्खा है इंशाल्लाह ना जिसका कोई नुकसान है और फ़ायदा इतना है कि जो बंदा बस इसको दो या तीन मरतबा ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेगा इंशाल्लाह उसको ये शिकायत कभी दोबारा होगी ही नहीं और सर में खुश्की की शिकायत भी ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ तो अपने दोस्तों में, अपने अहबाबों में, अजीज़ों में शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ में ज़रूर दबा दिया करें
ताकि हर नुस्खा जो मैं रोज़ लेके आता हूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप उससे पूरा फ़ायदा हासिल करें। इंशाल्लाह ऐसे ही किसी अगले नुस्खे में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।